हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉरी मोर के एक ऐसे को जिसका नाम है ऑन राइटिंग लॉरी मोर एक अमेरिकन फिक्शन राइटर एंड ऐसे हैं उन्होंने द पेरिस रिव्यू मैगजीन में कंट्रीब्यूट किया है एंड उनकी शॉर्ट स्टोरी यू आर अगली टू अमेरिका की बेस्ट शॉर्ट स्टोरीज में काउंट की जाती है इसके अलावा इनके दो पॉपुलर नावल्स हैं हु विल रन दी फ्रॉग हॉस्पिटल एंड अ गेट एट स्टेयर्स एंड इनकी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन सेल्फ हेल्प को इनका मास्टर माना जाता है इसके अलावा ये अपने पर्सनल एसेज के लिए भी जानी जाती हैं एंड ऑन राइटिंग उन्हीं में से एक है जिसमें मोअर ने अपने लिट्रेरी करियर को बताया है कि कैसे वो एक रीडर से राइटर बनी और अपने एक्सपीरियंस से ही वो बताती हैं कि एक रीडर एंड राइटर को कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती हैं एंड उनका ये ऐसे एस्पायरिंग राइटर्स के लिए एक डायरेक्शन या एडवाइस हो सकता है एक राइटर एंड उसकी लाइफ को लेकर मूवर एक एनोलॉजी ड्रॉ करती हैं मतलब एक कंपैरिजन। वो कहती हैं कि एक राइटर का अपनी लाइफ के साथ ऐसा रिलेशनशिप होता है जैसा एक कुक का उसके कपबोर्ड के साथ एक कुक या शेफ़ के कब में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि स्पाइसेस हो गए लेकिन जो उसका फाइनल प्रोडक्ट होता है वो इन चीज़ों से तो डिफरेंट होता है ना? जो भी डिश वो प्रिपेयर करता है वो उसके कब में पड़ी चीज़ों से तो डिफरेंट होती है ना और ऐसे ही एक राइटर होता है उसकी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई होती हैं जिन्हें बेस बनाकर वो अपनी राइटिंग्स लिखता है अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को वो एक्जैक्टली exactly तो रीडर्स के सामने नहीं रखता इंस उसमें कुछ चेंजेस करता है नेक्स्ट मूवर कहती हैं कि एक रीडर को रीडिंग करते समय बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को फ़ेस करना पड़ता है और इस बात का उन्हें कैसे पता है क्योंकि वो खुद भी एक रीडर रही हैं वो कहती हैं कि वो बचपन से ही एक एक्टिव रीडर रही हैं एंड ग्रेजुअली उनकी ये रीडिंग की हैबिट राइटिंग में डेवलप हो गई मोहर का जो राइटिंग स्टाइल है वो एक रोमांटिक एज राइटर जैसा है जो कि इमोशंस फीलिंग्स फीलिंग, इंडिविजुअलिटी एंड नेचर को लेकर लिखते थे आगे मोहर विलियम वर्ड्सवर्थ को रेफर करते हुए लिखती हैं कि वर्ड्सवर्थ कहते थे दैट अ राइटर हैज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव सोल विच रस्टिक पीपल डोंट हैव ही इज एंड विद मोर लाइवली सेंसिबिलिटी मोर एंथियाज्म एंड टेंडरनेस ही हैज़ ग्रेटर नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर आगे वो कहती हैं कि राइटर्स स्किल्ड लेबर जैसे होते हैं जैसे लेबर मिलके कोई चीज़ बनाते हैं वैसे राइटर्स कोई चीज़ क्रिएट करते हैं लेबर अनस्किल्ड होती है लेकिन वो कितना मैनुअल वर्क करते हैं ये हम सबको पता है और ऐसे ही राइटर्स होते हैं फ़र्क इतना होता है कि वो स्किल्ड होते हैं लेकिन उन्हें मेहनत उतनी ही करनी पड़ती है और ऐसी फोर स्टेजेस होती हैं जिन्हें क्रॉस करके ही उनकी क्रिएशन कंप्लीट होती है और ये फोर स्टेजेस भी विलियम वर्ड्सवर्थ ने ही बताई है पहली स्टेज होती है ऑब्जर्वेशन जब कोई राइटर सोसाइटी में हैपन हो रहे है, किसी भी इंसिडेंट या इवेंट को ऑब्जर्व करता है और जब वो डिसाइड कर लेता है कि वो इस चीज़ पे लिखेगा तो फिर वो इंसिडेंट को रिकॉल करता है फिर आती है कंटम्पलेशन यानी कि डीप थिंकिंग फिर वो उस इंसिडेंट को डीपली एनालाइज करता है और इसके बाद वो अपनी राइटिंग को कंपोज करता है तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस होता है एंड इस दौरान एक राइटर मिस्टीरियस सा बन जाता है वो उस दौरान अपने आप को आइसोलेट रखता है एंड किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करता वो अपने आइडिया को कॉन्फिडेंशियल रखता है जब तक उसका वर्क कंप्लीट ना हो जाए आगे मोर अपने न्यू अरिस्टोटलियन व्यूज रखती हैं रिगार्डिंग राइटिंग वो कहती हैं लिटरेरी फिक्शन इज गॉड्स कंपल्शन हैंडेड डाउन टू अस एंड ईको अ डिमेनिशमेंट बट समथिंग वी आर मेड टू डू इन इमिटेशन परनर ऑफ दैट औरिजिनल क्रिएशंस जो न्यू क्लासिस राइटर्स थे उन्हें ही न्यू अरिस्टोटलियन राइटर्स कहा जाता है क्योंकि वो एशियंट राइटर्स लाइक अरिस्टोटल होमर पेंडर और प्लेटो और इन जैसे कई और राइटर्स को एम्यूलेट करते थे मूर कहती हैं कि गॉड ने राइटर्स को मैंडेट किया है कि वो एशंट राइटर्स से इंस्पायर होकर अपने वर्क्स लिखेंगे आगे मूर कहती हैं कि लोगों में बुक्स पढ़ने की जो हैबिट है वो इन होती है लोग वो वर्क्स पढ़ते आए हैं जो उन्हें इंटरेस्टिंग लगे हैं और जिनसे वो रिलेट कर पाते हैं तो ऐसे एक राइटर को अच्छी बुक्स लिखनी चाहिए जिससे कि मास रीडरशिप बढ़े कुछ ऐसे लिटरेरी वर्क्स भी होते हैं जो कि लोगों के दिलों में खास जगह बना लेते हैं एंड लोग उन्हें बार बार पढ़ना पसंद करते हैं ऐसे कुछ मास्टरपीस हैं जैसे कि प्लेटो की द रिपब्लिक हो गई होमर की इलियड एंड ऑडिसी एंड वर्जल की एनियड हो गई तो मोर यहाँ पे यह कहना चाह रही हैं कि कंटेम्प्रेरी राइटर्स को इन राइटर्स से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि कैसे अपने वर्क्स को एंडलेस रखा जाए आगे मुहर बताती हैं कि एक राइटर को शेमलेसनेस का टैग भी लेना पड़ता है जब वो अपने डार्क सीक्रेट्स अपने रीडर्स को बताता है अपने रीडर्स को एंटरटेन करने के लिए उन्हें कई ऐसी बातें बतानी पड़ती हैं जिसकी वजह से उन्हें ह्यूमिलिएशन भी फेस करनी पड़ती है जैसे एक कंट्रोवर्शियल बांग्लादेशी राइटर हैं तस्लीमा नसरीन उन्होंने भी अपनी लाइफ से जुड़ी कई बातें अपने वर्क्स में रिवील की हैं जिसकी वजह से उन्हें कई लोगों ने शेमलेस तक भी कहा जब एक राइटर लोगों के सामने सच्चाई पेश करता है तो उसे क्रिटिसिज्म के अलावा सेंसरशिप ट्रायल्स एंड बैनिशमेंट को भी फेस करना पड़ता है जैसे जॉर्ज औरवल की नाविला है एनिमल्स फार्म ये रशियन रेवोल्यूशन पे बेस्ड थी तो इसीलिए इसे 1980 तक बैन रखा गया और ऐसे ही चार्ल्स डार्विन, जेम्स जॉयस नदायन गॉडिमर और इन जैसे कई राइटर्स को अपनी सच्चाई के कारण या सच लोगों के सामने लाने के कारण बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी और इसीलिए मोर कहती हैं द रोड रूट टू ट्रूथ एंड ब्यूटी इज़ द टोल रोड ट्रिकी एंड अनप्रिटी इन इट एंड ऑफ इट लाइफ का एक इंसिडेंट बताती हैं कि उन्हें अपनी एक वेलविशर well की तरफ से एक लेटर रिसीव हुआ जिसमें उन्होंने लिखा था दैट बाय द वे योर राइटिंग्स आर गेटिंग बेटर डीपर एंड सिक्कर ये जो वर्ड है सिक्कर ये बाय मिस्टेक इसमें लिख दिया गया था अदरवाइज़ इसकी जगह वर्ड आना था रिचर कि उनकी राइटिंग्स डे बाय डे रिच होती जा रही हैं वैसे ये जो वर्ड है सिक ये उनकी लाइफ से काफ़ी तरह जुड़ा हुआ है क्योंकि उन्हें बचपन से ही रीडिंग एंड राइटिंग की सिकनेस थी इट मीन्स उनमें पढ़ने एंड लिखने का पैशन था When शी was a चाइल्ड शी used टू डिटैच थिंग्स द charms from ब्रेसलेट्स एंड bows from dresses, जो ओल्ड ड्रेसेस में डेकोरेटिव मटेरियल्स लगे होते थे वो उनमें से उन्हें निकाल देती थी एंड न्यू ड्रेसिस में लगा देती थी और ऐसे ही जब वो रेडियो पे सॉन्ग सुना करती थीं तो पेन एंड पेपर ले कर बैठती थी और लिरिक्स उन पेपर पे नोट डाउन करती थी और ऐसे ग्रेजुअली उनमें राइटिंग का पैशन डेवलप हुआ आगे मूवर बताती हैं कि उनका जो रीडिंग टेस्ट था वो उनकी एज की जो गर्ल्स थी उनसे डिफरेंट था उन्हें जेन ऑस्टन पढ़ना पसंद था लेकिन मोअर पी स्कॉट फिजगेरॉल्ड एंड लुइस गोल्ड को पढ़ना ज़्यादा पसंद करती थी फिर वो आगे डिस्कस करती हैं कि लिटरेचर को जेंडर इफ़ेक्ट कैसे करता है जो बुक्स विमेन राइटर्स लिखती हैं वो रियली टचिंग होती हैं क्योंकि एक वुमन दूसरी वुमन की कंडीशन को समझ सकती है फीमेल राइटर्स लाइक वर्जीनिया वुल्फ टॉनी मॉरिसन अगाथा क्रिस्टी मार्गरेट एटवुड मैरी शैली एमिली डिकेंसन और इन जैसे कई राइटर्स ने अपनी कैपेबिलिटी को लिटरेरी फील्ड में प्रूव किया है इन्हें सिर्फ़ एक कंट्री में नहीं बल्कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड पढ़ा जाता है ये इतने पॉपुलर राइटर्स रहे और दूसरी तरफ मोर ये भी कहती हैं कि कुछ ऐसे मेल राइटर्स हुए हैं जिन्हें बस एक्जेजरेटली सेलिब्रेट किया गया अदरवाइज उनके वर्क्स में कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है आगे मोर कहती हैं कि एक राइटर की लैंग्वेज रिदमिक होनी चाहिए द राइटर मैरिज द लैंग्वेज ये बात डब्ल्यू एच ऑर्डर ने कही थी एंड आउट ऑफ दिस मैरिज राइटिंग इज़ बॉन और लास्ट में मोर कहती हैं कि एक ग्रेट राइटर बनने के लिए कोई गोल्डन रेसिपी नहीं होती बल्कि इसके लिए तो रिलेंटलेस एफर्ट्स करने पड़ते हैं अपनी राइटिंग अपने वर्क के टुअर्ड्स हमें डेडिकेशन दिखानी पड़ती है कोई भी एक दो बुक्स लिखकर फेमस राइटर नहीं बनता बल्कि इसके लिए कॉन्टीन्यूटी होनी चाहिए और दूसरी बात ये कि किसी भी राइटर को अपने आप को प्रोफेशनल नहीं समझना चाहिए ऑल दो वो प्रोफेशनल तो होते ही हैं बट उन्हें अपने आप को लर्नर कंसिडर करना चाहिए उन्हें हमेशा कुछ ना कुछ सीखते ही रहना चाहिए इसीलिए विलियम कार्लो विलियम्स ने कहा कैच एन आई फुल कैच एन एयर फुल एंड डोंट ड्रॉप वट यू हैव कॉट इट मीन्स किसी भी चीज़ को कीनली ऑब्जर्व करना चाहिए किसी की भी बात को केयरफुली सुनना चाहिए एंड जो भी आपने ग्रेस्प किया है उसे भूलना नहीं है तो यहीं पे ये ऐसे ख़त्म हो जाता है अगर आपको इसके हैंड रिटर्न नोट्स चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट करना अपनी ईमेल आईडी एंड नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी और ऐसे ही और वीडियोज़ के साथ मैं आती ही रहूँगी टिल देन टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो